भगवान यीशु के चाहने वाले सभी भाई और बहनों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। मैं इस बात को लेकर अभिभूत हूँ, हृदय की गहराई से अनुग्रहित हूँ कि हमारे परम सम्माननीय ईसाई धर्म के धर्मगुरु डॉक्टर आरसी बिशप जी ने भगवान ईश्वर की प्रेरणा से, भगवान यीशु की प्रेरणा से, इसके लिए मैंने कोई प्रयास नहीं किया, भगवान यीशु की हृदयगत प्रेरणा से इस विशाल कार्यक्रम का आयोजन करके और जगत नियंता परम परमात्मा से इस चुनाव को एक तरफा करके भारी बहुमत से विजय श्री दिलाने के लिए अपने सबकी हृदय की गहराइयों से भगवान यीशु से प्रार्थना की। जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो मुझे एक वेद का मंत्र याद आया, जब डॉक्टर आशी बिशप साहब ने कहा कि हे दयालु, तेरी कृपा के बिना हवा नहीं चल सकती, तेरी कृपा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तब मुझे वो मंत्र याद आया, मत भया दिवा दिवात हो। भगवान ने कहा मेरे भय की वजह से हवा चल रही है, मत भया दिवा दिवात हो यम मृत्युश्चरत मत भया, और मेरे डर की वजह से मृत लोगों को निगलती है, परमात्मा सृष्टि का करता है, पालन करता है, श्रृंगार करता है, और परमात्मा समय समय विभिन्न रूपों में आता रहता है। जैसे हमारे यहां रामायण में लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिनपानी, तब तब प्रभु धर विभिन्न शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तो अनेक रूप धार करके भगवान आते हैं, कभी वो राम के रूप में आए, कभी वो कृष्ण के रूप में आए। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने में आकर के कहा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय शंभवामि युगे युगे, मैं आता हूं युग युग में धर्म की स्थापना करने के लिए, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए। परंतु भगवान यीशु के विषय में एक बात विचित्र है, वो भी आए, जैसे राम आए, जैसे कृष्ण आए, ऐसे ही धराधाम पर भगवान यीशु भी आए। परंतु जब उन्होंने कहा अनल हक, मैं जगत का उद्धारक हूं, मैं खुदा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं जगत का कल्याण करने आया हूं, तो जो मूर्ख लोग थे, लीगी लोग थे, जिहादी लोग थे, उन्हें यह सब कुछ सहन नहीं हुआ और वो सबके सब भगवान यीशु के खिलाफ हो गए। और ये सदा से चला आया है, जो आदमी सत्य बोलता है सत्य कड़ुआ होता है, वो सब स्वीकार नहीं कर पाते। मैं डॉक्टर आरसी बिशप से तो आज मिल रहा हूं, पर भगवान यीशु के विषय में मैंने बहुत पहले से पढ़ा है, सुना है, जाना है। केवल एक शब्द के कारण, उनका यह शब्द था अनल हक, इस शब्द के कारण उनका विरोध हुआ, यात्राएं दी गई और ऐसी यात्राएं दी गई, लेकिन उन यात्राओं को भी उन्होंने प्रभु का प्रसाद माना और अपने अनुयायियों से कहा कि आप किसी से बैर मत करना, आप प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो, सबको प्रेम दो। इसीलिए सारे हिंदुस्तान में नहीं, सारे विश्व में प्रेम सौहार्द और सहयोग के वातावरण में यह धर्म बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पनपता जा रहा है। कहीं पर भी भले लोग इसका विरोध नहीं करते, लेकिन वो लोग जिन्होंने भगवान यीशु की हत्या की थी, वो लोग न तो हिंदुस्तान या विश्व में चैन से रहते हैं, न किसी को चैन से रहने देते हैं। मैं आप सबसे विनम्रता से आग्रह करना चाहूंगा,
डॉक्टर आरसी विषम कोई साधारण से व्यक्ति नहीं है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत विद्वान है, पढ़े लिखे हैं, उनका मार्गदर्शन आपको मिलता है, उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को आप सार्थक करें, आगे बढ़ें। यह प्रभु का चिंतन है, यही तो जीवन में सार है। संसार में जीव आता है कुछ भी लेकर के नहीं आता, और संसार से जब जाता है तो कुछ भी लेकर के नहीं जाता। उसका जो कर्म है, धर्म है, अच्छा है, बुरा है, पाप है, पुण्य है, वही ले दे करके हिंदुस्तान दुनिया से उठ के जब जाता है तो लेके जाता है। इसलिए मैं आप सबसे विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूं, जिंदगी में कभी भी गलत रास्ते पर किसी भी परिस्थिति में चलना स्वीकार मत करना। हम अपने संत जगत में लोगों से कहते हैं, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो, बोलो ना, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो, चाहे इसको नर्क बना लो और चाहे इसको स्वर्ग बना लो, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो। हमने ऐसा बनाया, अच्छा लग रहा है आपको, हमने ऐसा बनाया जीवन, और दुनिया में पता नहीं लोगों ने कैसा कैसा बनाया। भगवान यीशु ने ऐसा जीवन बनाया कि जब तक धरती रहेगी आकाश रहेगा, गंगा यमुना की धारा रहेगी, उन्हें मानने वालों की कमी नहीं रहेगी। हालेलुया, वो कभी मर नहीं सकते, वो अमर है, उनका एक एक शब्द अमर है, वो हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। हमारे वेदों में लिखा है ओम खम ब्रह्म, ये शब्द ब्रह्म होता है, शब्द आकाश का गुण है। मैं भी यहां बोल रहा हूं, वो आकाश में जा रहा है। आप टीवी देखते हैं, आप रेडियो सुनते हैं, ट्रांसमीटर के माध्यम से आवाज को, फोटो को आकाश में भेज दिया जाता है, और फिर ट्रांसमीटर के माध्यम से उसे खींच लिया जाता है। आपने महाभारत सुना होगा, गीता पढ़ी होगी, हस्तिनापुर में बैठे थे धृतराष्ट्र और संजय, युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, अंधे थे धृतराष्ट्र, लेकिन संजय से पूछ रहे थे, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवा माम का पांडवाश्चैव किमु कुर्वत संजय। तो संजय देख के बता रहा था दिव्यदृष्टि से कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। तो शब्द कभी मरता नहीं है, इसलिए भगवान यीशु की वाणी कभी मर नहीं सकती, समाप्त नहीं हो सकती, तो आपका मार्गदर्शन करती रहेगी। ऐसे ही हमारे सनातन धर्म में वेद को अपौरुषेय कहा जाता है, व्यक्ति के द्वारा बनाई नहीं है, भगवान की आवाज है। जैसे आपके यहां बाइबिल को वही महत्व प्रदान होता है, हमारे रईस खान के यहां जो कुरान है उसके बारे में वही कहते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन जिस प्रकार से भगवान यीशु के तिरोधान होने के बाद परम पवित्र बाइबिल के आधार पर उनके अनुयायियों ने भारत में ही नहीं सारे विश्व में जो प्रेम का सौहार्द वातावरण बनाने का काम किया, उसकी लगभग सब जगह प्रशंसा होती है। अब आज आप ये मंच देख लीजिए, मैंने तो डॉक्टर आरसी बिशप को कभी देखा नहीं था, मैंने तो फोन नहीं किया था, लेकिन भगवान यीशु की प्रेरणा उनके दिल में जागृत हुई कि उन्नाव के हित में, साक्षी महाराज के हित में आपको एक बढ़िया सा काम करना है। तो उन्होंने जंगल में मंगल, हाँ जंगल में मंगल करने का काम किया, अपना पैसा खर्च करके, अपना समय खर्च करके, और तपती धूप में, गर्मी में, उड़ती हुई बालों में, रेता में। तो अगर मैं, इन्होंने जो किया है, जो मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा दिया, उसे उऋण होना चाहूं तो कैसे हो सकता हूं।
आदमी के साथ कभी कोई कुछ करे उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। परमात्मा ने आपको मनुष्य का शरीर दिया है, क्या उसका धन्यवाद नहीं करना चाहिए? बोलो ना। अगर गधा बना देता तो, घोड़ा बना देता, कुत्ता बना देता, कुतिया बना देता, क्या करते? जिस परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य का शरीर दे दिया, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसा मनुष्य का शरीर परमात्मा ने कृपा करके आपको दी है तो जिंदगी भर आप उसका शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद करें। आप कितनी भी प्रार्थना करें तब भी कम है। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। अभी आप लोगों ने ये वीडियो देखा, कितना प्रभावित ये वीडियो है कि किस प्रकार से ये जो साधु संत है इसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कितनी अद्भुत बातें कही है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है जो सत्य को जानता वही स्वतंत्र होता है। और ये व्यक्ति जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, आपको लगता है क्या ये इतना प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानता होगा? लेकिन नहीं, बाइबल कहता है कि परमेश्वर अपनी महिमा मनुष्य से, पत्रों से, किसी भी चीज़ से अपनी महिमा को ले लेता है। और जब बात आती है प्रभु यीशु मसीह के प्रचार करने की तो परमेश्वर मौका ढूंढता है, अवसर ढूंढता है ताकि भीड़ के सामने प्रभु यीशु मसीह का नाम की गवाही और प्रचार हो। और इस प्रकार से इस संत को भी प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया होगा, जिसने कह दिया कि सब देवी देवताओं में श्रेष्ठ केवल प्रभु यीशु मसीह है, जिसके मानने वाले इस दुनिया में बढ़ते ही जा रहे हैं। यह धर्म बढ़ता ही जा रहा है और हर दिन ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह की शिक्षा ही कुछ ऐसी थी। और जब यीशु मसीह की शिक्षा ऐसी है तो क्या आपको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले घटेंगे? प्रभु यीशु मसीह को तो मानने वाले बढ़ते ही चले जाएंगे। और ऐसा हो रहा है इस दुनिया में, जब हम देखें तो लगभग 70% लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर अपना ईमान लाते हैं और वो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर, एकमात्र यीशु के अलावा कोई सच्चाई है ही नहीं। अभी इन्होंने कहा कि यीशु मसीह की जो शिक्षाएं थी उन शिक्षाओं की वजह से लोग यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। और इन्होंने बोला कि इस दुनिया में बहुत से बाबा, बहुत से ईश्वर, बहुत से संत, बहुत से कुछ आए, लेकिन किसी ने प्रभु यीशु मसीह के जैसी शिक्षा नहीं दी। यीशु मसीह ने प्रेम करना सिखाया, यीशु मसीह ने प्रेम करना सिखाया। और वही प्रेम आज जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसके अंदर वो प्रेम दिखता है। क्यों? बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस के ऊपर आकर यहाँ पर धरती पर बलिदान हो गए और उन्होंने क्या किया? प्रेम को प्रकट करके दिखाया। और वही प्रेम आज मनुष्य जाति में फैलता जा रहा है। जो कोई जानता है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए किया है, वो समझ लेता है कि हाँ, यीशु मसीह के अलावा कोई है ही नहीं सच्चाई, कोई मार्ग नहीं है यीशु मसीह के अलावा। और यीशु मसीह ने खुद ये बात कही है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे तुम पिता के पास नहीं जा सकते। क्या ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति बिना रास्ते के कहीं पे जाए और उसे रास्ता पता ना हो तो वहाँ पे पहुँच जाए? ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई बहनों। आप कहीं पे जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये रास्ता सही है और मैं इस रास्ते पर चलूँगा तभी मैं वहाँ पर पहुँचूँगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और जीवन हूँ, बिना मेरे तुम पिता के पास नहीं जा सकते। इस संसार में रहते हुए हमें एक सच्चाई का सच्चा मार्ग चुनना जरूरी है अगर हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, अगर हम बचना चाहते हैं। क्योंकि बाइबल कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं सकड़ा मार्ग हूँ, चौड़ा है वो मार्ग जो बुराई की ओर लेकर जाता है, जो नाश करता है। इस संसार में बहुत से रास्ते हैं, बहुत सी चीज़ों पर लोग विश्वास करते हैं, अलग अलग चीज़ों को लोग ईश्वर मानते हैं, यहाँ तक कि लोग मनुष्य को भी ईश्वर बनाकर बैठे हुए हैं। लेकिन मनुष्य क्या ही है? जब हम इस ब्रह्मांड की तुलना करके देखें अपने आप से तो हम इस ब्रह्मांड में एक मिट्टी के कण के समान भी नहीं है। क्यों? फिर भी हम अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं, परमेश्वर को ढूंढना और समझना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों को, आप सत्य को जानिए, यीशु मसीह सत्य है, जो कि इस बाबा ने भी क्लियरली बोला है। और इतने लोगों के सामने, इतनी बड़ी भीड़ के सामने इन्होंने साबित कर दिया कि यीशु मसीह ही जीवित और एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। और जो कोई इस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता, वो अनंत जीवन पाता है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आपसे इतनी उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जब